तो मतलब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया। तो अब समझो यहाँ पर आपका आपका एक यू हैव सम एरिया, और यहाँ पर आप फोर्स कैसे लगाना है आपको, यहाँ पे एक्चुअली फोर्स इज नॉट अ वेरी करेक्ट वर्ड, यहाँ पे हम थ्रस्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थ्रस्ट। तो फोर्स कैसे सर, लगना चाहिए, फोर्स आपका है थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर तो थ्रस्ट मतलब फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू, टू ठीक है। यहाँ पर देखो फोर्स कैसे लगा रहा हूं मैं, फोर्स जो है मेरा इट इज, ये कैसा आ रहा है, इस एरिया को परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट देखो हाँ यहाँ सर, ये जो फोर्स है यहाँ पर इस एरिया को, ये परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। हाँ तो ये थ्रस्ट मतलब क्या होता है, फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, थ्रस्ट मतलब फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू द एरिया, तो अगर आपको कोई मतलब अगर देखो अगर मान लो इट्स समथिंग लाइक दिस, तो अगर आपको फोर्स ऐसे लगा तो ये दिस इज नॉट गोइंग टू एग्जर्ट प्रेशर इस एरिया पे, ये वाला फोर्स प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगा, प्रेशर कौन सा फोर्स हाँ एग्जर्ट करेगा, ये वाला फोर्स करेगा, थ्रस्ट, यस थ्रस्ट, ठीक थ्रस्ट है। तो आप फोर्स दो तरीके से लगा सकते हो एरिया में, या तो आप ऐसा लगा सकते हो फोर्स, या तो आप फोर्स ऐसा लगा सकते हो, तो एरिया प्रेशर कौन सा फोर्स प्रोड्यूस करेगा, ये वाला फोर्स प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। चल तो ध्यान रखना, थ्रस्ट फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार मार्क कर देते हैं। ओके अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, तो इसके कुछ एप्लीकेशन बताओगे मुझे। देखो आप घर में यू हैव दैट नेल, ये रहता है ना क्या बोलते हैं उसको, या बस नेल मालूम है, नील क्या होता है, हाँ सर, कीला, किया कीला, हाँ कीड़ा, क्या क्या कीड़ा बोल, किया किया ठीक है चलो समझ गए क्या किया होता है। तो आप इसको देखो, ये वाला जो कीड़ा किया जो, या देखो इसका ये जो पॉइंट थोड़ा पॉइंटेड रहता है ना, व्हाइट इज मेड पॉइंटेड, हाँ, और सो दैट इट फिट्स प्रॉपरली इन द होल, सो दैट इट गेट्स फिट्स कंप्लीटली एंड गोज डीप इनसाइड एंड दैट इज ऑब्वियसली द करेक्ट इट करेक्ट, इज वो मोस्ट बराबर है आपके। डिफिकल्ट लेकिन ऑन देखो एरिया। हम इसको ऐसे क्यों नहीं बना सकते हैं, इसको हम ऐसा क्यों नहीं बना सकते हैं, दैट इज सर प्रीटी मिनिमम श्योर, एरिया, देखो ये वाला ज्यादा बेटर है कि क्योंकि ये वाला ज्यादा सर बेटर है, अगर वो पॉइंटेड नहीं हो, अगर पहला वाला ज्यादा बेटर है ना, पहला तो वाला पॉइंटेड, क्योंकि पहले उसका कम कम लगेगा, एरिया है इसलिए प्रेशर ज्यादा यस जाएगा। वेरी गुड, किसने बोला, सर ने वेरी गुड है। देखो प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे, फोर्स अपॉन, ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे, फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया मेरा बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो है एरिया, दिस एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, दिस एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल। तो देखो अगर मेरा एरिया कम हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, अगर एरिया मेरा कम हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, एरिया अगर कम हो गया तो वो तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, सर फोर्स विल सर इंक्रीज, फोर्स विल फोर्स विल इंक्रीज, फॉल, डिक्रीज, इंक्रीज, सॉरी, फोर्स हाँ, विल तो अगर मेरा डिक्रीज। एरिया कम हो गया तो फोर्स मेरा ऑलमोस्ट बढ़ जाए। देखो इसको मैं आपको एक उससे एग्जांपल से समझाता हूँ, तो फोर्स का देखो यूनिट क्या होता है, फोर्स मान लो है 10 न्यूटन, न्यूटन्स ठीक है। अब अगर मान लो मैं एरिया यहाँ पर लेता हूँ, लेट्स टेक एरिया एज 1 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, ठीक है, और मैं यहाँ पर एरिया लेता हूँ 0.5 मीटर स्क्वायर, और मैं यहाँ पर एरिया लेता हूँ 0.25 मीटर स्क्वायर, किस केस में प्रेशर ज्यादा आएगा बताओ, फोर्स तो मेरा उतना ही है, देखो फोर्स को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मैंने किसको चेंज कर दिया, सर, एरिया को सेकेंड चेंज कर दिया, सर, सेकंड, सेकेंड पॉइंट सर, 0.5, 0.5 फाइव या सर, 0.5 या 0.25, 0.25 सर, 5 सर 0.5 सर, पॉइंट 0.25 सर, एरिया फाइव सर, ही पॉइंट सर, टू 0.25 यस। तो देखो इससे कितना आता है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इससे कितना आ रहा है मेरा,
इससे मेरा आ रहा है ऑलमोस्ट 20, डबल हो गया, ठीक है। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखो इससे कितना आएगा मेरा ऑलमोस्ट इससे मेरा 40 आ गया, देखो 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब जब हम एरिया कम करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम एरिया कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग। दिख रहा है बच्चों यहाँ पर? अगर मैंने एरिया को कम कर दिया तो व्हाट विल हैपन, अगर मैंने एरिया को कम किया तो व्हाट विल हैपन, प्रेशर विल इंक्रीज। तो आई लाइक इफ एरिया इज, एरिया इज डिक्रीज्ड, करेक्ट। देखो एरिया को हम डिक्रीज कर रहे हैं ना, मैंने आई एम सॉरी उल्टा बोल दिया, एरिया को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर विल इंक्रीज। देखो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, ठीक है, सर एरिया इज इनडायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यस करेक्ट करेक्ट, ठीक है। इफ एरिया इज डिक्रीज्ड प्रेशर इज इंक्रीज्ड, समझ में आई ये बात? ओके अच्छा एक बात मैं आपको ऊपर यहाँ पे बताना भूल गया, प्रेशर का एसआई यूनिट, व्हाट इज एसआई यूनिट फॉर प्रेशर? पास्कल। पास्कल, पास्कल, यस वेरी गुड बच्चा, आप लोगों को मालूम है। तो देखो प्रेशर भी मैंने बोला, प्रेशर क्या है, थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या एक तरह का फोर्स ही तो है, ये फोर्स है ना थ्रस्ट। यस सर। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन सर, न्यूटन। और एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का जो एरिया होता, एरिया का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट है, करेक्ट। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल लिख सकते हैं, ठीक है, पास्कल। तो दैट मींस जो मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको हम रिप्लेस करके पास्कल भी लिख सकते हैं, दैट इज आल्सो करेक्ट। इसको हम पास्कल भी लिख सकते हैं, इसको हम पास्कल भी, ठीक है। ये भी एक साइंटिस्ट ही था, या पास्कल आपने सुना होगा, ब्लेज पास्कल करके ना, ब्लेज पास्कल सर, मेनी ऑफ देम आर द ब्लेज पास्कल, या चलो तो इसका और कुछ थोड़ा और एप्लीकेशन देखते हैं अभी। ओके अभी देखो जब आप नाइफ से कट करते हो वेजिटेबल्स, कौन से पार्ट से कट करते हो आप नाइफ से, जब भी कट करते हो सर, सर वो पॉइंटेड ऐसे, वो पॉइंटेड जो होता है शार्पर पार्ट से कट करते हैं सर, वो जो पॉइंटेड पार्ट होता है वो पॉइंटेड वाले से ऐसे करते हैं। मतलब देखो नाइफ के दो दो एजेस रहते हैं ना, अगर मैं नाइफ की यहाँ पे बात करूं, ठीक है, नाइफ की अगर मैं बात करूं तो नाइफ के दो एजेस रहते हैं, कौन कौन से दो एजेस रहते हैं, देखो एक तो एक एज थोड़ा ब्लंट रहता है, दिस इज अ ब्लंट एज, ठीक है, दिस इज नाइफ लेट्स से, तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा रहता, देखा होगा ना आपने नाइफ कभी, देखा है आपने, ये थोड़ा ब्लंट रहता है और ये शार्प रहता है, तो कभी उसको होल्ड अपने हाथ में पकड़ के देखना उसको, तो जो ब्लंट वाला है उसका जो एरिया रहता है वो ज्यादा बड़ा है, और शार्प वाला जो उसका एरिया ब्लंट वाले का जो एरिया ज्यादा होता है, शार्प वाले का एरिया कम रहता है, ये तो बोला मैंने, नहीं सर शार्प और ब्लंट का, तो इसका एरिया शार्प वाला नीचे होता है और ब्लंट वाला, ये मैं लिख दे रहा हूँ एरिया इज मोर, ठीक है, ब्लंट वाले का एरिया इज मोर, शार्प इट बिकम्स लाइक अ वेज, या इट इज लाइक अ वेज, एरिया Everyone. तो किसके, which will exert more pressure? Sharp वाला edge will exert more pressure. Sharp. Because it's इसका एक area is low. Area कम ही है. Correct. Area कम है. तो area कम. अब अच्छा देखो, अब आप मुझे बताओ उसका reason क्या होगा? Dessert मालूम है? Not your food वाला dessert. Dessert means ये. Dessert क्या होता है? Yes ma'am. कैमल के लेग कैसे होने चाहिए, ज्यादा बड़े होने, मतलब फ्लैट होने चाहिए या
मतलब बकरी की तरह होने चाहिए, गोट की तरह एकदम पतले, सर बड़े होने चाहिए, सर बड़े होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, सर बड़े होने चाहिए सर। ब्रॉड एरिया, तो ब्रॉड एरिया से क्या होगा सर, वो सैंड पर इजीली प्रेशर प्रेशर कम होगा और सैंड पर अच्छे से चल पाएगा। Yes. अगर उसका देखो उसके फीट अगर एकदम पतले पतले होंगे तो what will happen, अगर like goat is having a feet ना, sir it will sink, feet अगर एकदम पतले पतले होंगे तो what will happen, उसके जो feet है वो sink हो जाएंगे। I'll show you picture, एक सेकंड। हमने goat को रख दिया था वो sink हो गया। So you can see here, जो इसके जो feet है, इनका जो area थोड़ा ज्यादा है, correct? तो because of more area, if area is more then what will happen? मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, pressure is force upon area. तो अगर एरिया बढ़ गया what will happen? Pressure will decrease. Pressure will decrease. ठीक है? अच्छा मैंने यहाँ पर एक सेकंड, मैंने यहाँ पे एरो जो बनाया था, एक कहाँ पे बनाया था, एक मिनट, कहीं तो बनाया था मैंने एरो, कहाँ पे बनाया था एरो मैंने, हाँ ये मैंने गलती से फोर्स पे बना दिया, इट शुड बी ओवर हियर। तो अगर आपका एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर विल इंक्रीज, अज्यूमिंग फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे एरो बन जाएगा, समझ में आ रही है बात? तो अगर मेरा एरिया देखो इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर मेरा एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। रिमेंबर दिस, एरिया को कम कर दो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एरिया को इंक्रीज कर दो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। अब आते हैं मिलिट्री के टैंक्स में, मिलिट्री के टैंक्स में देखो, मिलिट्री के टैंक सर, यू नो दैट एस्केलेटर थिंग, दैट्स लाइक द थिंग ऑन देयर फीट। हां यस, द पट्टी ऑन द लीवर। व्हाई आर मिलिट्री टैंकर्स मेड लाइक दिस? सर वो कभी घूम फिर सके, कभी घूम फिर, दे कैन गो ऑफ रोड, और दे कैन गो ऑफ रोड। देखो अगर मान लो उसको कभी डिजर्ट में जाना पड़ गया टैंक को, अप्लाई ना, तो उसका ये टैंक इज वेरी हैवी, टैंक जो रहता है ना, टैंक ये जो टैंकर्स रहते हैं मिसाइल्स, जब वेरी हैवी कैमल पानी रहते हैं हैवी, राइट? क्या क्या कैमल इज आल्सो हैवी, राइट? लाइक नॉट दैट हैवी बट इट्स स्टिल हैवी, राइट? या हैवी रहता है ना ये, सो इट नीड्स अ ब्रॉड सरफेस फ्रॉम द बॉटम, राइट? करेक्ट करेक्ट। तो देखो अभी ये जो टैंक है दिस इज वेरी वेरी हैवी, बहुत ज्यादा एरिया प्रेशर कम होगा। अगर इसमें व्हील में ऐसा, अगर वो ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, किस टाइप का स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, दिख रहे हैं ना आपको ये स्ट्रक्चर, ये इस टाइप, तो व्हाट विल हैपन, उसके जो व्हील्स हैं दे विल सिंक, करेक्ट? व्हील्स आर मेड ब्रॉड, करेक्ट? तो क्यों, व्हाई दे आर मेड ब्रॉड, सो दैट इट डजंट सिंक इन द ग्राउंड, so that it doesn't sink in the ground. ठीक है, तो आई होप अभी आप इसके इस पे आप यू विल बी एबल टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में भी चल पाते हैं। तो प्रेशर देखो अगेन फोर्स अपॉन एरिया, अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, एरिया को क्या किया, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, एरिया इज इंक्रीज, इसका मतलब वो इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब वो हम डिक्रीज कर रहे हैं ना, यहाँ पे इंक्रीज, ये इंक्रीज करे ना मेरिया, आपने देखा होगा कंप्यूटर में कभी कभी ये एक बटन रहता है और ये एक बटन रहता है, तो जब आप इसको दबाते हो, इसको क्लिक करते हो तो दैट क्वांटिटी गेट इंक्रीज्ड, और जब आप इसको दबाते हो इस वाले बटन को देन क्वांटिटी गेट डिक्रीज, तो वही नोटेशन है यहाँ पर। अगर आप एरो ऐसे बना रहे हो मतलब यू आर इंक्रीजिंग द एरिया, अगर आप ऐसा बना रहे हो दैट मीन्स यू आर डिक्रीजिंग द एरिया। ठीक है, तो अगर आप एरिया को इंक्रीज कर रहे हो तो व्हाट विल हैपन, फोर्स विल, सॉरी प्रेशर, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर विल डिक्रीज, डिक्रीज, जब एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर विल, हां अगर एरिया डिक्रीजेस प्रेशर विल इंक्रीज, दैट इज, और गोट का फीट ले और घोड़े का फीट ले और कैमल का फीट ले, करेक्ट? तो अगर आपका एरिया डिक्रीज होगा प्रेशर विल इंक्रीज, दैट इज करेक्ट। ठीक है सर, एलिफेंट का सबसे ज्यादा है, तो आपको देखो ऐसे ही सोचना है, एरिया बढ़ रहा है या एरिया डिक्रीज हो रहा है, इस एरिया इंक्रीजिंग और इस एरिया डिक्रीजिंग, अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर विल डिक्रीज, अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है प्रेशर विल इंक्रीज, यू हैव टू थिंक इन दीज टर्म्स। बच्चों समझ में आ रही है बात की नहीं? यस सर।
ओके अब हम लोग देखते हैं जल्दी से, ये तो हो गया सॉलिड्स में प्रेशर एंड ऑल, तो इसके मैंने कुछ एग्जांपल दिए, पिन नाइफ डिजर्ट, ऑफ डिजर्ट में कैमल के फीट, मिलिट्री टैंकर्स, ठीक है। नाउ नहीं, योर क्लास इज टिल 9 ओनली, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स, प्रेशर सर कैन यू गिव अस अ ब्रेक, आज ब्रेक नहीं दूंगा, ऑलरेडी आपका थोड़ा हो गया ना, चलो चलो आज आज डोंट टेक ब्रेक टुडे। प्रेशर इन फ्लूइड्स, हां फ्लूइड्स मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड्स सर, वो एसिडिक और सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लूइड सर, मेनली गैसेस एंड लिक्विड्स। यस, तो फ्लूइड्स में क्या-क्या आ जाते हैं, गैसेस आ जाते हैं, गैसेस फ्लो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं सर, और एसिड्स एस या लिक्विड्स बोल दो, वाटर इज लिक्विड ना, एक्चुअली एसिड्स कांट फ्लो, एसिड भी हो सकता है लिक्विड फॉर्म, तो कोई भी लिक्विड होगा वो फ्लूइड है, ठीक है। लिक्विड तो आपको समझता होगा ना, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, यस सर, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े, ओके तो अब देखो अब आपको बस आप इसको यहाँ पर आप ये ध्यान में रखो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, आई जस्ट गिव यू द फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान से समझना फॉर्मूला क्या, अब सपोज ये आपका एक एक वाटर सरफेस है, मतलब सी है मान लो, अब सी में आप यहाँ पे डेप्थ डी तक गए, यू आर एट दिस डेप्थ, डेप्थ कितनी है डी है मान लो, ये डेप्थ डी है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है इस पॉइंट पे प्रेशर जी मालूम है आपको, जी व्हाट इज जी, नो सर ग्राम ना, ग्राम कुछ दूसरा, 9.8 मीटर पर सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मालूम है क्या होता है, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अरे भूल गए क्या, मीटर पर सेकंड, अरे हाँ सर, मीटर पर सेकंड कैसे हो गए, क्या है ये एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो हम लोगों ने फोर्स देखा था, करेक्ट, डू यू रिमेम्बर हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला क्या देखा था, हाँ सर, फोर्स वाज व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन था कि नहीं, हाँ मास इनटू एक्सीलरेशन, हाँ देखा था फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सीलरेशन, हाँ सर, यू हैव सीन दिस और नॉट, यस ओके okay. अब देखो अर्थ भी तो हम पर फोर्स लगा रही है, अर्थ हमारे पर फोर्स लगा रही है कि नहीं लगा रही है, सॉरी ये फॉर्मूला में आता है जी, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस अर्थ जो है इसके फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी निकलने में हाइट इनटू एमपीएच, यस हाइट इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस यस करेक्ट, ठीक है। तो अर्थ जो है हम पे फोर्स लगा रही है, ध्यान से समझना, देखो फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, था फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, बच्चों यू आर गेटिंग दिस और नॉट, लिंक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यस सर, मास इनटू एक्सीलरेशन देखा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ओके हाँ, तो अब देखो अर्थ पे जब आप खड़े रहते हो तो अर्थ आपको खींच रही है ना, अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रही है कि नहीं खींच रही है, सबको सबको खींच रही है, किसी को अर्थ ऊपर की तरफ फेंक रही है, नहीं ऐसा है क्या, जिसको अर्थ ऊपर की तरफ फेंक रही है, बोले आप अर्थ में ड्रॉप स्पेस में जाके रहो, ऐसा तो अर्थ पुलिंग ऑल ऑफ अस, करेक्ट। तो अब यहाँ पर देखो मास तो आपका कुछ है, एंड व्हाट इज ये जो एक्सीलरेशन होता है अर्थ पे, अर्थ का अर्थ कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगी, That is basically G, mg. mg के force से हमें अर्थ जो है खींच रही है अपनी तरफ, because force के mass into acceleration. Acceleration समझते हो ना क्या होता है? Yes sir. क्या होता है बताओ acceleration?
मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता क्या है बेटा इंजन वेलोसिटी हाँ वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है देखो जैसे अभी अब आप स्पीड अगर आपको देखना है तो स्पीड आप ऐसे देख सकते हो स्पीड अगर आपको देखना है यहाँ पर तो ओके स्पीड आप ऐसे देख सकते हो स्पीड कैसे देख सकते हो मान लो ये 0 मीटर है फिर हो सकते है 1 मीटर है फिर ये 2 मीटर है फिर ये 3 मीटर है एक्सेलरेशन 1 मीटर एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना अभी मैंने टाइम तो लिखा ही नहीं आपने कैसे बोल दिया एक्सेलरेशन 1 मीटर टाइम इज नॉट देयर 0 सेकंड 2 सेकंड हो गया तो टाइम इज नॉट देयर फिर ये 1 सेकंड हो गया 2 सेकंड हो गया 3 सेकंड हो गया 4 सेकंड 1 मीटर पर ठीक है तो यहाँ पर आप वेलोसिटी कैसे निकाल देते हैं इधर देखो जल्दी से देखो वेलोसिटी कैसे निकालते थे वेलोसिटी वाज व्हाट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम यस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मैंने बोला कोई भी दो पॉइंट ले लो आप मान लो आप ये वाला पॉइंट और आप ये वाला पॉइंट लो ठीक है तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 मीटर हुआ सर 3 मीटर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर अपॉन चेंज इन टाइम ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम यस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर और टोटल टाइम कितना 3 सेकंड हो गया तो ये कितना 1 मीटर पर सेकंड ठीक है सर बट ओनली इफ इट इज थियरी वाज करेक्ट सर ओनली इफ इट इज लाइक 3 मीटर ऑफ प्रायर एंड देन 3 सेकंड लाइक ओनली इफ इट्स आप चाहो तो आप ये वाला यहां से यहां तक ले लो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको अगर ये नहीं लेना है आप ये वाला पॉइंट ले लो नो सर आई डोंट मीन दैट बट लाइक यहां पे देखो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम कितना हुआ 5 सेकंड्स हो गया तो कितना हुआ अगेन 1 मीटर पर हुआ नहीं अच्छे से समझा नहीं अच्छे से नहीं समझा देखो यहाँ पर अगर आपका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर हो गया कि नहीं हो गया हाँ सर और कितना टाइम लगा यहाँ से आपको यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा 5 सेकंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर हुआ हाँ हुआ कि नहीं हुआ और चेंज इन टाइम कितना हुआ 5 सेकंड अच्छा तो वेलोसिटी कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड हो गया ठीक है समझ में आप चाहो तो आप यहाँ तक ले लो देखो यहाँ तक ले लो आप तो यहाँ तक कोई भी दो पॉइंट्स ले लो 0 से 3 तक जाओ 0 से 3 तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका 0 से 3 तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 मीटर 0 से 3 तक टाइम कितना हुआ 3 सेकंड तो व्हाट इज वेलोसिटी 1 मीटर 1 मीटर पर सेकंड देखो हमने इसका एक प्रैक्टिकल भी किया था अगर आपको याद होगा तो हमने इस पर एक प्रैक्टिकल भी किया था याद एक आदमी था वो ऐसे चल रहा था तो उसका हमने ऐसे निकाला था ना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम ऐसे निकाला था कि नहीं निकाला था तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड हर पॉइंट पर आ रही है तो वेलोसिटी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है वेलोसिटी बाद में दिखाऊंगा बाद में ठीक है लिंक भेजा है मैंने वैसे आप खुद भी जाके देख सकते हो वेलोसिटी इज कांस्टेंट यहां पर कैसे करना होता है वो क्या सर वेबसाइट कौन सी है आपको आप लिंक में जाके देख सकते हो उसको तो जल्दी से यहां पर देखो यहां पर वेलोसिटी इज कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है ठीक है अब देखो अब अगर मैं इफ आई जस्ट मूव लाइक दिस अगर मान लो मेरा यहाँ पे वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड था ठीक है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड हो गया फिर यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड हो गया फिर यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड हो गया तो देखो एवरी सेकंड में वेलोसिटी चेंजेस कितने किस रेट से चेंज हो रही है 1 मीटर पर सेकंड से हर सेकंड चेंज हो रही है यहाँ पर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है ठीक है तो हर सेकेंड वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है 1 मीटर यस तो एक्सीलरेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है एक्सीलरेशन क्या होता है एक्सीलरेशन होता है रेटिंग चेंज ऑफ वेलोसिटी
velocity final minus upon time taken for the initial divided by time taken. टाइम टेकन फॉर चेंज करेक्ट. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया यहाँ पर देखो 1 मीटर पर सेकंड. हाँ, तो आप चाहो तो ये वाला पॉइंट ले लो, ये दो पॉइंट्स ले लो, ठीक है. तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना हो 2 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड में. या आप चाहो तो ये वाले दो, कोई भी दो पॉइंट ले लो आप. करेक्ट. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपकी वेलोसिटी कितनी किस कितने अमाउंट से चेंज हुई, 1 मीटर पर सेकंड से चेंज हुई. कितने टाइम में चेंज हुई, 1 सेकंड में चेंज हुई ना. वेलोसिटी किस कितनी चेंज हुई, 1 मीटर पर सेकंड चेंज हुई. और कितने टाइम में चेंज हुई, 1 सेकंड में चेंज. 1 सेकंड. तो दिस इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है सर. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. या आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, देखो a by b upon c is equal to a by b c, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड स्क्वायर आ जाता है, बताया था मैंने आपको, अगर आपको याद होगा तो. तो वेलोसिटी का देखो यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है. और टाइम टेकन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड. तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आप इसको इस तरह से लिख सकते हो. क्यों इस तरह से लिख रहे हो, मैथमेटिक्स यहाँ पे क्या कैसे मैथमेटिक्स लग रहा है. देखो मीटर पर सेकेंड मैंने आपको बताया था, दिस इज डिवाइडेड बाई सेकेंड ना. और जब इस डिविजन के साइन को आप यहाँ पे आई मीन यू कैन राइट दिस लाइक दिस, मीटर पर सेकेंड इंटू 1 बाई सेकेंड. इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, इस डिविजन को आप मल्टीप्लीकेशन में बदल दो और इसको 1/s कर दो. तो क्या आ गया ये, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर. ठीक है meter. कोई भी ऐसी चीज रहेगी, देखो अगर आपको a बाई बी अपॉन c बाई डी दिया हुआ तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, a by b divided by c by d which is a upon b into d by c which happens to be. हाँ सर, वो अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आता है तो वो फ्रैक्शन उल्टा होता है और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होता है. ये रूल याद रखना, ठीक है, ये रूल याद रखना बच्चों. अगर यहाँ पे डिवीजन है तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन में कर. तो याद आया अभी एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, किस रेट से यहाँ पे चेंज हो रही है वेलोसिटी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. 1 मीटर पर सेकंड. इसीलिए एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. ठीक है, इसको लिखते कैसे हो, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड. ठीक है, समझ में आई बात. यस सर. अब अगर आप अर्थ पे हो, अर्थ पे आप कुछ कोई भी चीज फेंकते हो, आप आपके रूम में एक 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 पेन लो, उसको फेंक दो आप जहाँ पे बैठे हो, ठीक है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा. आप आपके बालकनी से एक स्टोन लो, उसको फेंक दो नीचे, ठीक है. तो अगर आप पता ही नहीं है कुछ उसके बारे में, कितना मीटर गया क्या. अगर आपने इसको फेंका यहाँ से, इधर देखो, इधर सुनो, ध्यान से सुनो. अगर आपने आपकी बालकनी से कुछ कोई एक स्टोन को फेंका नीचे, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन मालूम है कितना होगा. इसका एक्सीलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इसको बोलते हैं हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्यों बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये अर्थ की वजह से एक्सीलरेशन हो रहा है. अर्थ की वजह से एक्सीलरेशन हो रहा है वो, और ग्रेविटी. ठीक है, ये जो एक्सीलरेशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ये अर्थ की वजह से हो रहा है एक्सीलरेशन. ठीक है, समझ में आई बात. ठीक है ना, तो ध्यान रखना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस वेरी स्पेशल नंबर, ये आपको अभी से ध्यान में रखना है. आप अर्थ के ऊपर किसको कुछ भी फेंकोगे, अर्थ के ऊपर कुछ भी फेंकोगे, उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, 9.8 मीटर सेकंड. देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर आपको इतना एक्सीलरेशन देता है, आप सोचो अर्थ में कितनी किस रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है. तो अगर मान लो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी थी 0, ठीक है, तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बता सकता है कोई, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी. 3.2 नहीं होगी. देखो एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ, अभी देखो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना है, यहाँ पर एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकंड ना. 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड
सेकंड इक्वल्स टू 0 टी इक्वल्स टू 1 यहां पे टी इक्वल्स टू 2 सेकंड करेक्ट टी इक्वल्स टू 3 सेकंड 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 3 मीटर वैल्यू चेंज करके देखते हैं एक्सीलरेशन की वैल्यू थोड़ा चेंज करके देखते हैं सपोज मेरा एक्सीलरेशन है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है तो अभी यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी तो अभी टी इक्वल्स टू 0 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो थी 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1 नहीं देखो 2 ms 2 हो गई 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड फिर 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड 3 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर पर सेकंड वेरी गुड तो अभी अगर आपने किसी चीज को आपने अपनी बिल्डिंग से फेंका तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड ठीक है फिर 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड ठीक है समझ में आ रही है बात यस सर करेक्ट ओके तो आई होप आपको भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है समझ में आ गया किसी बच्चे को कुछ कंफ्यूजन है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है ओके तो अब हमेशा याद रखना अर्थ हमें अर्थ पे अगर आप कोई अर्थ के ऊपर कुछ फेंकोगे तो उसका जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ठीक है अगर आपने आपकी बिल्डिंग से एक स्टोन फेंका आपकी बालकनी से तो जब नीचे गिरेगा तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ठीक है ये बात ध्यान रखना बच्चों भूलोगे तो नहीं नहीं सर सब बच्चों को समझ में आया ओके हम लोग रहे थे हम लोग प्रेशर इन फ्लूइड्स देख रहे थे तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका तो इसका डेरिवेशन अभी हम लोग नहीं कर रहे जब आप थोड़े से 7th-8th में जाओगे तो हम इसका डेरिवेशन भी मैं आपको बता दूंगा पर अभी इसका जस्ट अभी फॉर्मूला ध्यान में रखो ठीक है तो अब आपको इस पॉइंट पर प्रेशर फाइंड करना है और ये हाइट कितनी है आपकी ये हाइट है मान लेते हैं इसको हाइट को ये डेप्थ है ना ये डेप्थ है तुम्हारी डी ठीक है करें ओके यार इसको हम एच बोल देते हैं डेप्थ यहाँ पे एच बोल देते हैं सर फिर से आप प्रेशर का फॉर्मूला बताओगे क्या मैं भूल गया प्रेशर वाज फोर्स अपॉन एरिया लेकिन ये किसके लिए प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया सॉलिड्स के लिए ये मोस्टली जो हम यूज करते हैं ये सॉलिड्स के लिए यूज करते हैं लिक्विड फ्लूइड्स के लिए दूसरा फॉर्मूला है देखो क्या फॉर्मूला है तो ये हो गया प्रेशर एट अ डेप्थ एच ठीक है अब ये डेप्थ एच हो गया अब इसकी डेंसिटी ये जो भी लिक्विड रहेगा इससे कुछ डेंसिटी रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी डेंसिटी है रो और ये अर्थ पर है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ms स्क्वायर इसको हम जी बोल देंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी बोल देंगे ठीक है तो याद रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आपके सामने आ रहा है प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी ठीक है प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी सर व्हाट डज एच स्टैंड फॉर एच डेप्थ डेंसिटी रो एक्सीलरेशन ये डेप्थ है ठीक है या हाइट बोल सकते हो समझ में आया फॉर्मूला ये कंफ्यूज क्या कंफ्यूजिंग है सबको मल्टीप्लाई तो करना है डेप्थ डेंसिटी मल्टीप्लीकेशन है मतलब ये दिस इज हाइट h इंटू डेंसिटी इंटू मल्टीप्लीकेशन किया मैंने ठीक है ये लिख लो आप चाहिए अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ये फॉर्मूला लिख लो ठीक है तो बस सिंपल है देखो आप कहां पर हो हाइट h पर हो या डेप्थ h पर हो डेंसिटी उस मीडियम का कितना है रो है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है ठीक है समझ में आई बात कि नहीं यस सर जल्दी से इस फॉर्मूले को लिख लो सर अब रिटर्न रिटर्न सब बच्चों ने लिख लिया सर
सर रुको मैं लिख रहा हूँ। हाँ लिख लो जल्दी से लिख लो। सर डन राइटिंग। हाँ सर हो गया। ठीक है चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ जरा अब आपके आप मान लो एक लेक में एच हाइट पर हो ठीक है एक लेक के अंदर 10 मीटर्स हो चलो मान लो आई विल पुट सम नंबर्स ओवर हियर। ये क्या है? रिवर है और आप सी के अंदर हो 10 मीटर्स हाइट पर कहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगेगा आपको? सर सी बिकॉज इट्स वॉल्यूम इज लार्जर। कहाँ पे प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा आपको? सर रिवर क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है। ज्यादा प्रेशर लगेगा। प्रेशर इज मोर इन सी क्यों? प्रेशर डेंसिटी सी उसका रीजन क्या है? सर बिकॉज द डेंसिटी इज हायर। सर बिकॉज द डेंसिटी इज लार्जर। यस बिकॉज डेंसिटी ऑफ सी इज मोर बिकॉज इट इज सॉल्टी। यस सी वाटर सॉल्टी होता है ना बराबर तो है सी वाटर सॉल्टी होता है तो क्या होगा ज्यादा हो जाएगा ना। हाउ डज दैट हैव रिलेशन टू डेंसिटी? ऑफ कोर्स देखो सी वाटर सॉल्टी है तो सॉल्ट की वजह से क्या होता है उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। आपके रिवर वाटर में सॉल्ट नहीं है नो सॉल्ट। यस सर और यहाँ पे सॉल्ट भी है ना इस वाटर के अंदर तो कुछ सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स भी होंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी ना। यस सर करेक्ट। सॉल्ट की वजह से डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इंक्रीजेस। आप देखो आप पानी में जब शुगर शुगर को क्या बोलते हैं you just put some sugar and stir in water, dissolve करते sugar को, देखो पानी थोड़ा सा thick हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ sir, हाँ sir, हाँ yes. sir. क्यों thick हो जाता है? क्योंकि now you have added something to it, correct? इसलिए चलो तो pressure is more in sea because density of sea is more, ठीक है? समझ में आई बात? Yes sir. अब जरा मुझे ये बताओ opposite, चलो अब एक अब यहाँ पर ये बताओ एक सेकंड आपको एक सबको okay. अब देखो यहाँ पर what do you see is यहाँ पर चार वेसल्स आपको दिख रहे होंगे ठीक है। यहाँ पर चार वेसल्स दिख रहे हैं तो चारों वेसल में देखो यहाँ पे इसका एरिया थोड़ा ज्यादा है करेक्ट। मान लो इसका एरिया थोड़ा ज्यादा है इसका एरिया थोड़ा कम है तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा? ए में प्रेशर ज्यादा होगा या बी में? सर ए बी में बी 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 में हाइट दोनों का सेम है। हाइट दोनों का सेम है ना वाटर का हाइट सेम है सर पर एरिया कम है ना। हाँ तो किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? सर बी सर बी 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 में ज्यादा हाँ सर ए और बी वेसल्स में देख सर पर पानी का डेंसिटी तो सेम ही है। हाँ ओके इसलिए दोनों में एरिया कम है ना। हाँ, एक का वॉल्यूम ज्यादा है। पानी का डेंसिटी तो सेम ही है एक का वॉल्यूम ज्यादा है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा प्रेशर। लेट्स सी दैट। देखो प्रेशर मैंने आपको बताया क्या होता है। प्रेशर इज व्हाट फॉर्मूला क्या देखा था? फोर्स अपॉन एरिया सॉलिड्स के लिए था। ये क्या है? ये सॉलिड है क्या? हाइट इनटू रो इनटू एक्सेलरेशन इनटू रो इनटू जी। हाइट इनटू क्या था? डेंसिटी रो जी इनटू डेंसिटी। अब देखो हाइट दोनों में सेम है। इधर देखो हाइट दोनों में सेम है सर। हाँ तो ये वाला हाइट इज डेप्थ डेंसिटी दोनों की सेम है। हाँ सर क्या भरा हुआ है? डेंसिटी भी सेम है जी सेम है दोनों केसेस में। हाँ सर
हाँ सर पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा वो दोनों केसेस में सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? सेम आएगा सेम आएगा क्योंकि डेंसिटी सेम है हाइट सेम है डेंसिटी सेम है हाइट सेम है जी सेम है तो ये हमेशा याद रखो फ्लूइड्स में प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया वो किस पे डिपेंड करता है हाइट पे डिपेंड करता है डेंसिटी पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे अगर वो पानी का डेंसिटी बदलता ही नहीं ना कब पानी का डेंसिटी नहीं बदलेगा ना करेक्ट ठीक है चलो यस सर द अमाउंट ऑफ वाटर विल नॉट अफेक्ट द डेंसिटी यस टू कंक्लूड अगर इस तरह का वैसे है आपका तो यहां पर देखो इस पॉइंट पर आपका हाइट सेम है इन ऑल द फोर केसेस हाइट सबका सेम है ना हां सर yes. सबका और सबका हाइट सब केसेस में सेम है हाइट इज सेम इन ऑल द केसेस ठीक है यस सर पॉइंट प्रेशर फाइंड आउट करना डेंसिटी भी सेम है हाइट इज सेम हाइट इज सेम इन ऑल द वेसल्स यस सर ठीक है फिर मेरा क्या है डेंसिटी इज सेम इन ऑल वेसल्स है कि नहीं है यस सर हाँ सर और जी इज सेम करेक्ट फॉर ऑल यस सर तो प्रेशर इस पॉइंट पे प्रेशर मान लो ये प्रेशर ए है प्रेशर बी है ये प्रेशर सी है ये प्रेशर एट डी है तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी व्हिच इज इक्वल टू अगर मान लो ये हाइट एच है डेंसिटी रो है ये जी है तो इज इक्वल टू एच रो जी ठीक है तो हमें क्या याद रखना है प्रेशर इन फ्लूइड डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ फ्लूइड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करेक्ट तो लिख देता हूं यहां पर ये स्टेटमेंट प्रेशर इन फ्लूइड सॉरी लिखना है ये मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा प्रेशर इन फ्लूइड डज नॉट लिख लो आपकी नोटबुक में फिर भी लिख लो आप प्रेशर इन फ्लूइड डज नॉट डिपेंड ऑन किस पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लूइड किस पर डिपेंड करता है फिर इट डिपेंड्स ऑन हाइट डेंसिटी एंड यस इट डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द फ्लूइड एंड जी ठीक है और किस पे डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ठीक है एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड ठीक है तो देखो यहां पे इसको अगर मैं हाईलाइट कर देता हूं इट डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ किस पे डिपेंड कर रहा है फ्लूइड की हाइट पे डिपेंड कर रहा है ठीक है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा बच्चों यस सर समझ में आई ये बात यस सर यस सर सम प्रेशर ऑन अस क्या मुझे सुनाई नहीं दिया सर क्या एयर एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है यस सर ऑब्वियसली करता है तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो किसकी वजह से होगा वो हाइट की वजह से होगा मैंने नोटिस किया है जब हम गाड़ी से जाते हैं तब अगर स्पीड में जाते हैं और हमने जब खिड़की खोल दी और अगर ऐसा हाथ लिया तो पीछे जाता है और अगर ऐसे लिया तो वो आगे जाता है कैसे लिया ऐसे अगर एरिया कम होगा उसका अच्छा फिर से बताओ कैसे क्या बोल रहे हो कि जब हम गाड़ी से जाते हैं और जब हम विंडो ओपन करते हैं स्पीड में जा रहे होते हैं तब अगर हम ऐसे हाथ रखते हैं तो मतलब पीछे जाता है हाँ तो ऑब्वियस है ना अभी आपके हाथ के ऊपर ऐसे करते हैं तब एरिया कम होने के वजह से वो बदल जाता है और अगर ऐसे जाएगा वेरी गुड ऑब्जर्वेशन तो एरिया आपका ज्यादा हो गया ठीक है ना अभी हवा जो ज्यादा एरिया पे लग रही है ना यस सर हाँ सर ऑलमोस्ट द होल अर्थ ओनली
यस तो दिस इज ऑल्सो नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू प्रेशर, ये यहाँ पे थोड़ा फ्रिक्शन का भी रोल आएगा, एयर फ्रिक्शन की वजह से. फ्रिक्शन सुना है आपने, फ्रिक्शन? यस सर. जब आप हाथ करते हैं, आपने जैसे पहले हाथ किया था, तो उस केस में मुझे क्या लग रहा है कि फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा आपका, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स. एंड जब आपने हाथ ऐसे कर दिया तो फ्रिक्शन थोड़ा कम हो गया, यू कैन थिंक इन दैट टर्म्स आल्सो. ठीक है, ओके. तो एनीवेज, तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है मालूम है कितना होता है, यू नो द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो देखो अर्थ के ऊपर क्या है, देयर इज अ एयर कॉलम अबव अर्थ है. ये थोड़ा अच्छा नहीं बना डायग्राम, हाँ अभी थोड़ा ठीक बन गया ना, ठीक है. तो यहाँ पर आपके ऊपर देयर इज अ ह्यूज एयर कॉलम, तो इसकी वजह से जो प्रेशर होता है आपको मालूम है कितना प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर? नो सर. नो सर. नो. चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये होता है 1.01 इनटू 10 रेज टू 5 पास्कल. सर मुझे 1.01 पता है, इनटू नहीं पता है मेरे पापा ने. 1.01 into 10 raised to 5 pass. इतना सोचो, इतना huge pressure atmosphere हमारे ऊपर लगा रहा है. ठीक है? तो this is what? This is pressure due to atmosphere. ठीक? तो यहाँ पे I think आज हम लोग यहीं पर will stop here. किसी को कुछ doubt है? No sir. No sir. No sir.